बारी स्पेशल रिपोर्ट की। महाराष्ट्र के पुणे में गैंगरेप की वारदात मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। यह वारदात गुरुवार रात उस वक्त अंजाम दी गई जब एक लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी। पुणे में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। दोस्त के सामने लड़की से गैंगरेप। पुलिस के शिकंजे में 3 आरोपी। पुणे की यह घटना सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है, क्योंकि अपने दोस्त के साथ घूमने निकली 21 साल की लड़की के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि विरोध करने पर दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई। और अब इसी सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ जो हमारी स्पेशलाइज टीम है, जो फॉरेंसिक की है, डॉग स्क्वाड है और इस तरह की जो टीम्स हैं, वो सब भी इस काम के लिए लगाई गई हैं और हर टीम जो है सो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही है। वारदात गुरुवार रात 11 बजे के आसपास बोपदेव घाट इलाके में उस वक्त हुई जब लड़की अपने दोस्त के साथ घूम रही थी। इसी दौरान सुनसान जगह पर आरोपियों ने पहले लड़की के दोस्त की बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। सुबह करीब 5 बजे लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित लड़की जलगांव की रहने वाली है जबकि उसका दोस्त सूरत का रहने वाला है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। गृह मंत्रालय इनको रोकने में नाकाम रहा है। महाराष्ट्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। दोषियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए। शिवसेना उद्धव गुट ने भी पुणे गैंगरेप मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव गुट के आनंद दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम रही। उसका अपहरण किया, मारपीट की, मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। अपराधी जान गए हैं कि क्या कोई कर लेगा। ये सरकार उदासीन है, सरकार लापरवाह है, सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व में। कल ही नवरात्रि का पहला दिन हुआ, घट स्थापना हुई। हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं, और आज ये घटना सुनने आ गई। पुणे गैंगरेप की ये घटना कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को टारगेट कर रहा है। उधर देवरिया में सरेआम बेटियों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। दुस्साहसी शहदों ने राह चलती बेटियों का रास्ता रोका और छेड़खानी की। घटना की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर यह हो क्या रहा है। ये तस्वीरें कलंक हैं उस समाज पर जो बेटियों की रक्षा का दम भरता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे शोहदे मनबढ़ हो गए हैं। मामला देवरिया जिले के तरकुलवा थाना इलाके का है, जहां नारायणपुर कस्बे में बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं का न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि छेड़छाड़ की कोशिश की और उन्हें गन्ने के खेत में खींचने की भी कोशिश की। सरेआम कानून को मुंह चढ़ाते हुए बदमाशों ने छेड़छाड़ की। बेटियां सहम गईं,
अस्मत बचाने के लिए एक ने खेत की ओर दौड़ लगा दी तो दूसरी सड़क पर ही भागने लगी। बेटियां मदद के लिए गुहार लगाती रही लेकिन बदमाशों के हौसले ये सीसीटीवी तस्वीरें बयां कर रही हैं। हम लोग आ रहे थे पेपर देखे, वो चार थे जा रहे थे मोटरसाइकिल से इधर से, मतलब हम लोग यहाँ पे चले आए थे और पीछे तक ले चले गए थे और चार तीन को उतर कर तीनों उतर कर अलग हम लोग को चोटिया ने मतलब हमको पकड़ने की कोशिश किए थे। तो हम ये भी एक खेत में गिर गई थी धान के खेत में, हम इधर अपना साइकिल बीक के अलग चिल्ला कर भाग गए थे। घटना के बारे में जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और स्कूल प्रबंधक ने कहा कि मामले में कड़ा एक्शन होना चाहिए। मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं वही रोड है जहां से छात्राएं साइकिल सवार होकर आ रही थी और चार युवक उनके पीछे लगे हुए थे और जिसके बाद छेड़खानी की और इसी रोड से छात्राएं भागती हुई नजर आई है, चीखती चिल्लाती नजर आई है। और मैं वो आपको घटना दिखाना चाहता हूं जो ये धान की खेत है, इसी में एक छात्रा जो है डर की वजह से गिरी है और सामने ये जो आप मकान देख रहे हैं पूरी वारदात इस मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देवरिया में सरेआम हुई घटना के बाद स्कूल प्रबंधक ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तरकुलवा थाने में केस दर्ज कराया। बेटियों के साथ सरेआम हुई छेड़छाड़ की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि चार बदमाश वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। दो बालिकाओं को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास भी हैं। जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस भले ही FIR दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही हो लेकिन सरेआम हुई घटना से पुलिसिया इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बहरहाल देखना है कि आरोपी कब पुलिस के शिकंजे में आते हैं। न्यूज 18 के लिए देवरिया से उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। चलिए बात रीवा की करेंगे जहां पर एक मजार के नाम पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। खुद विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और प्रशासन से कब्जा हटाने की मांग की। आरोप ये कि मजार का दायरा बढ़ने की वजह से सड़क हो गई है सकरी और इससे हर दिन जाम के हालात बन जाते हैं और लोगों को होती है परेशानी। मामला देखिए। मजार का नाम कब्जे का काम। इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। हर दिन जाम कैसे चलेगा काम। जागो प्रशासन, लोग हो रहे परेशान। सड़क पर मजार देख लो सरकार। कभी एक छोटी सी मजार हुआ करती थी लेकिन अब मजार का दायरा बढ़ गया है और सड़क संकरी हो गई है। मजार के कारण अमिया इलाके में हर दिन जाम के हालात बन जाते हैं जिससे हर दिन लोग परेशान होते हैं। वही है ये रास्ता, यहाँ से गुजरता हुआ 100 मीटर की दूरी में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का घर भी है और वही केवथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी का भी घर है। ये मार्ग इनके घर के लिए और जाता है। उसी मार्ग से लगे हुए अवैध कब्जा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये अवैध मस्जिद बनाई गई है। इसको लेकर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने आवाज उठाई है। उन्होंने मजार के नाम पर सड़क पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे।
धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं, तो उसके लिए जो चूंकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। राजनीति में अमहिया को अखाड़ा माना जाता है। रीवा के कई दिग्गज इसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। रीवा से विधायक और डिप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला का आवास भी इसी इलाके में है। अब देखना होगा अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आपने मंदिर में चोरी की कई वारदातों के बारे में सुना भी होगा। कोई दान पेटी चुरा ले जाता है तो किसी चोर ने भगवान के जेवर पर ही हाथ साफ कर दिया। लेकिन ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां मंदिर ही चोर उड़ा कर ले गए। कैसे, आइए दिखाते हैं। जेसीबी से खुदाई, मूर्ति चुराई, आधी रात किस गैंग का काम। एक हजार साल पुराने मंदिर में धावा, लोग हैरान, गुम हुए भगवान। खजाना एक खोज, मंदिर ले उड़े चोर, अपने आप में हैरान कर देती है ये वारदात। नवरात्र का पहला दिन लोग बड़ी आस्था के साथ मंदिर पहुंचे मां जगदम्बा और शिव भगवान की पूजा करने, लेकिन जैसे ही मंदिर पहुंचे सब दंग रह गए। ना तो मंदिर में मूर्ति दिखाई दी, ना ही हुए भगवान के दर्शन। यहां तो पूरा का पूरा मंदिर ही गायब था। ना तो मंदिर से जेवर चुराए, ना ही दान पेटी उड़ाई, ना ही मूर्ति पर हाथ साफ किया, बल्कि पूरे का पूरा मंदिर ही उड़ा कर ले गए चोर। सीधी से करीब 70 किलोमीटर दूर जंगल में रुर्रानाथ मंदिर है। आदिवासियों की गहरी आस्था है इस मंदिर में। करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है। जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो खुदाई के निशान मिले, जैसे किसी ने बड़े इत्मीनान के साथ चोरी की हो। वो भी मूर्ति ही नहीं चुराई, बल्कि मंदिर ही उड़ा ले गए चोर। लोगों की माने तो गैंग जेसीबी मशीन लेकर आया और जेसीबी मशीन से खुदाई कर मंदिर ही चुरा लिया। सवाल है कि किस गिरोह की मंदिर पे नजर थी। जगह के लिए तन मन धन अर्पित करने का तैयार हूँ एक बार, दूसरी जो उन्होंने वहाँ जो क्षतिग्रस्त की है उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए और शासन प्रशासन मिलके जहाँ कहीं भी हो उस नादान को पकड़ा जाए, उससे बयान लिया जाए, उसको दंड दिया जाए। हम लोगों का धरोहर का रखरखाव प्रशासन शासन करे और पता लगाए। पहले ऐसे दिखता था ये मंदिर, लेकिन अब बचे हैं तो सिर्फ गड्ढे। एक गांव वाले की माने तो रात करीब 12 से 2 बजे के बीच ये वारदात की गई होगी। हाँ बड़े दुई बज गए, दुई दोपहर में दुई। अच्छा, 12 से? हाँ 12 से 2 तक। हाँ 2 तक। अच्छा, कई दिन भाग खो देगा? एक रोज खो दे। एक रोज। मंदिर को लेकर यह अफवाह भी थी कि इस मंदिर के नीचे खजाना छिपा है। क्या मंदिर चुराने के पीछे खजाने की खोज का कनेक्शन है? मंदिर जंगल वाले इलाके में है, यानी यहाँ हर किसी का आना आसान नहीं। कोई ये अच्छे से जानता था कि मंदिर के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं और उनका काम आसान है। अब वन विभाग की टीम और कुसुमी थाना पुलिस उस गिरोह की तलाश कर रही है जिसने लोगों की आस्था पर चोट की है। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।